वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं हर बार की तरह टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी और आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा भी कि अगर आप पहले एग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करते थे, नौकरी करते थे, अब आपने एग्जाम्प्टेड कंपनी छोड़ दी, अब आपने अन एग्जाम्प्टेड कंपनी ज्वाइन कर ली, तो कैसे आप जो है एग्जाम्प्टेड कंपनी का पीएफ का पैसा अपने अन एग्जाम्प्टेड कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में जो है आपको दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर अगर आपके मन में ये सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ एग्जाम्प्टेड कंपनी क्या होती है और अन एग्जाम्प्टेड कंपनी क्या होती है। देखिए, एग्जाम्प्टेड कंपनी वो होती है जिनका अपना खुद का ट्रस्ट होता है। एग्जाम्प्टेड कंपनियों के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनका पीएफ का पैसा ईपीएफओ में जमा नहीं होता। उनका जो खुद का जो ट्रस्ट रहता है वो खुद ही कंपनी मैनेज करती है। और जो अन एग्जाम्प्टेड जो कंपनियां रहती हैं, उनके जो कर्मचारी रहते हैं, उनके जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनका पीएफ का पैसा वो कंपनियां मैनेज नहीं करती। उनका पीएफ का पैसा ईपीएफओ मैनेज करता है, यानी कि ईपीएफओ में जमा होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एग्जाम्प्टेड जो कंपनी रहती है, यानी कि जो छूट प्राप्त जो संस्था रहती है, वो ओनली पीएफ का पैसा मैनेज करती है। अगर आप एग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करो या फिर अन एग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करो, कर्मचारी का जो पेंशन का जो पैसा है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, ये ईपीएफओ ही मैनेज करता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप जो एग्जाम्प्टेड कंपनी का जो पीएफ का जो आपका पैसा था, उसको अन एग्जाम्प्टेड कंपनी के पीएफ अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और जो प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सेम प्रोसेस आप जो है अपने मोबाइल से फॉलो करके, अपने मोबाइल से भी जो है आप ये सारा काम कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। अगर ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो है आप अपना पासवर्ड भी नया जनरेट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर नया कैप्चा कोड आ गया है, पूरी डिटेल मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर सक्सेसफुली साइन इन हो गया है। जैसे ही सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो जाता है, एक अलर्ट देखने को मिलता है नॉमिनी को लेकर, इसको कर देते हैं लेटर। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, व्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जिस भी कंपनी का पीएफ का पैसा आप करंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी जो पीएफ मेंबर आईडी है, उसमें डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस दोनों मेंशन होना चाहिए। जब तक मेंशन नहीं होगा तब तक आप जो है पीएफ का पैसा पुरानी कंपनी की पीएफ मेंबर आईडी का करंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहां पर देख सकते हो इनकी टोटल 3 पीएफ मेंबर आईडी हैं, दोनों में जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है और ये जो नोट अवेलेबल आ रहा है ये करंट पीएफ मेंबर आईडी है। तो इस पीएफ मेंबर आईडी का पैसा इसमें जो है करंट वाले में ट्रांसफर होगा। अब आप डेट ऑफ एग्जिट अगर आपने कंपनी छोड़ दी है पुरानी कंपनी, तो आप खुद से भी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हो। मैनेज के ऑप्शन में जाके यहाँ पर जो है मार्क एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज आप अपनी कंपनी से भी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट मेंशन करवा सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान जरूर दे लेनी है। उसके बाद क्या करना है, ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने को लेकर। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, 1 member 1 EPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अदरवाइज होम पर आएंगे तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर होम पर आ गया हूँ, लेटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वही सेम ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मैंने आपको जो है व्यू पर जाकर सर्विस हिस्ट्री क्यों दिखाया, क्योंकि आपको पता रहे कि डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है या फिर नहीं है, वो कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए अब ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर आपको 1 member 1 EPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हो ट्रांसफर रिक्वेस्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, IFSC कोड, ईमेल आईडी, आधार नंबर यहाँ पर मेंशन रहेगा। और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड, यानी कि यहाँ पर जो पीएफ अकाउंट नंबर रहेगा उसमें आपका पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफर होगा। यहाँ पर ये जो करंट जो है प्रेजेंट जो पीएफ अकाउंट रहता है इसमें ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी पीएफ मेंबर आईडी है आपकी। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर। और यहाँ पर आपकी कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगी DSC ऑथोराइज सिग्नेचर के लिए,
तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अब यहां पर आपको जो है अपना डिसाइड करना है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है अप्रूव करने की वो पिछली कंपनी के पास जाए या फिर करंट कंपनी के पास। उसके बाद यहां पर मेंबर आईडी या फिर यूएन नंबर आपको यहां पर मेंशन करना है, जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा आपको ट्रांसफर करना है वो पीएफ मेंबर आईडी आपको मेंशन करनी है। अदरवाइज ये जो यहां पर 12 डिजिट का यूएन नंबर रहता है ये मेंशन करेंगे तो आपकी जो है जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो सारी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं जो है पीएफ यूएन नंबर मेंशन कर देता हूं। मेंशन कर दिया, यूएन नंबर जब मेंशन करते हैं उसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, लोडिंग होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट और यहां पर सेलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट। यहां पर आपकी जो भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है जिसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन रहता है वो यहां पर दिखा देगा, और जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा आपको ट्रांसफर करना है सिंपल उसको सेलेक्ट करना है। ये जो पीएफ मेंबर आईडी है इसका हमने जो है पहले फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया था तो ओनली इसका जो हमें ट्रांसफर करना है। यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, लोडिंग होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एरर मैसेज हमें आ गया है कि प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट इज पीएफ एग्जाम्प्टेड, हेंस क्लेम कैन नॉट बी सबमिटेड टू प्रेजेंट एम्प्लॉयर। इस मैसेज का मतलब यही है कि आपकी जो प्रीवियस जो कंपनी है वो पीएफ एग्जाम्प्टेड है, यानी कि छूट प्राप्त संस्था है, इसलिए आप जो है करंट कंपनी के पास, करंट एम्प्लॉयर के पास जो है पीएफ क्लेम यानी कि ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट नहीं कर सकते। तो इस केस में आपको जो है प्रीवियस एम्प्लॉयर का जो ऑप्शन है वही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो है पीएफ ट्रांसफर की जो अप्रूवल की जो रिक्वेस्ट है कंपनी अप्रूव करेगी, आपकी जो ट्रस्ट कंपनी है एग्जाम्प्टेड कंपनी है वही अप्रूव करेगी। और यहां पर ओके कर देते हैं। अब आपको क्या करना रहता है, यहां पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट ना करके आपको जो है प्रीवियस जो एम्प्लॉयर है ये आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आपकी जो पिछली जो कंपनी है वो एग्जाम्प्टेड है तो उसी कंपनी के पास आपकी रिक्वेस्ट जाननी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो अब जो है मैसेज नहीं आएगा, जो एरर नहीं बोल सकते, एक मैसेज आ रहा था, बताया जा रहा था कि आपका जो है प्रीवियस जो है पीएफ एग्जाम्प्टेड है तो आप क्लेम सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने जो है प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट किया, लोडिंग हो रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मैसेज आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर सेलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट किया तो देख सकते हो वो एरर जो मैसेज आ रहा था वो नहीं आ रहा, और यहाँ पर मेंबर आईडी यहाँ पर आ गई है, डिटेल आ गई है, और यहाँ पर पीएफ अकाउंट नंबर ट्रस्ट का यहाँ पर पीएफ अकाउंट नंबर यहाँ पर आ गया है, सबमिटेड टू प्रीवियस एम्प्लॉयर। देख सकते हो यहाँ पर ट्रस्ट का जो पीएफ अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है इस पर। ठीक है, यहाँ पर पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, सेलेक्ट हो गई। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा कंसेंट, इस पर क्लिक करना रहता है और गेट ओटीपी। उसके बाद आपके आधार कार्ड नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए, और यहाँ पर ओटीपी जो रहता है वो यहाँ पर मेंशन करना रहता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ही जो है ओटीपी जाता है। तो ओटीपी आ गया है, ओटीपी में मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ओटीपी मेंशन करके उसके बाद ये जो सबमिट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे सबमिट के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे आपका ओटीपी वेरीफाई होगा और उसके बाद आपकी क्लेम की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। देख सकते हो स्टेटस कैन बी ट्रैक फ्रॉम और द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, और यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफर क्लेम स्टेटस यहाँ पर दिखा दिया है, और यहाँ पर किसके पास रिक्वेस्ट गई है, प्रीवियस अकाउंट नंबर टू प्रेजेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक फॉर्म रहता है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक जो है फॉरम भी रहता है इसको आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जो है रख सकते हो, अगर कंपनी मांगती है या फिर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो इसको आप दे सकते हो। ठीक है, बाकी तो इसको देने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पर ट्रे क्लेम स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी रहती है, क्लेम टाइप ऑनलाइन क्लेम, यहाँ पर प्रीवियस अकाउंट नंबर और यहाँ पर प्रेजेंट अकाउंट नंबर, यानी कि ये प्रीवियस अकाउंट नंबर का पैसा इस प्रेजेंट में ट्रांसफर होगा। क्लेम स्टेटस में दिखा रहा है पेंडिंग एट प्रीवियस एम्प्लॉयर, यानी कि पुरानी जो कंपनी है उसके पास आपकी रिक्वेस्ट गई है, और यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम क्या है, कंपनी का नाम यहाँ पर दिखा देगा, और यहाँ पर मेंबर एक्शन, यहाँ पर कैंसिल का भी ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करके आप जो है रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर
सकते हो अगर आपको कैंसिल करनी है तो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये प्रीवियस जो है अकाउंट नंबर यहाँ पर 60 है और प्रेजेंट जो है 12 है। तो यहाँ पर व्यू पर जाते हैं और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रीवियस देख सकते हो यहाँ पर 60 है और जो है करंट जो है 12 है। अगर आपको देखना है कि कौन सी कंपनी एग्जाम्प्टेड है यानी कि छूट प्राप्त संस्था है तो क्या करना है, यहाँ पर डिटेल्स व्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और जब इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपकी कंपनी छूट प्राप्त संस्था नहीं होगी, एग्जाम्प्टेड नहीं होगी तो यहाँ पर इस तरह से अननो आ जाएगा देख सकते हो। और ये जो कंपनी है ये एग्जाम्प्टेड है तो यहाँ पर लिखा रहा है एग्जाम्प्टेड, यहाँ पर देख सकते हो। पेंशन का पैसा जो है आपका कंपनी कभी भी मैनेज नहीं करती, वो ईपीएफओ ही मैनेज करता है। तो पेंशन के केस में हमेशा यहाँ पर पेंशन एग्जामिनेशन में यहाँ पर अननो ही आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी जो है ये जो है छूट प्राप्त संस्था नहीं है, एग्जाम्प्टेड नहीं है तो यहाँ पर अननो आ रहा है, ये एग्जाम्प्टेड है तो यहाँ पर एग्जाम्प्टेड आ रहा है और इसके नीचे वाली कंपनी एग्जाम्प्टेड नहीं है तो अननो आ रहा है। तो इस तरह से आप पता भी कर सकते हो। और जब आपकी कंपनी अप्रूव कर दे आपकी रिक्वेस्ट को, उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ईपीएफओ के पास जाती है, ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जहां पर आपका करंट में पीएफ अकाउंट है। उसके बाद आपकी जो एग्जाम्प्टेड कंपनी है वो एक अनेक्सर के जो फॉर्म है वो जनरेट करती है और जनरेट करके अपलोड करती है ईपीएफओ का जो पोर्टल रहता है, वो उनका काम रहता है, वो जो भी प्रोसेस करना रहता है वो करते हैं। उसके बाद आप अगर एनेक्सर के फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो तो ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है यहाँ पर लॉगिन करके और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड एनेक्सर के का जो ऑप्शन है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका एनेक्सर के फॉर्म और यहाँ से जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी कितनी अमाउंट जो है अप्रूव हुई और जितनी अमाउंट आपकी ट्रांसफर हुई है वो यहाँ पर क्लिक करके इस एनेक्सर के फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। और इस फॉर्म को जब ओपन करेंगे तो आपको जो है कंप्लीट लेखा जोखा आपके पीएफ का जो है देखने को मिल जाएगा, कितने साल की सर्विस थी, कितना पैसा जो है ट्रांसफर हुआ, कितना इंटरेस्ट मिला, कंप्लीट जानकारी आपके पीएफ अकाउंट की आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जो है अपना एनेक्सर के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। बट ये जो एनेक्सर के जो फॉर्म रहता है ये आपकी जो एग्जाम्प्टेड जो कंपनी रहती है वो ही जनरेट करती है, वही ईपीएफओ में भेजती है, चाहे वो अपलोड करे या फिर जो भी प्रोसेस रहता है वो ही करती है, आपको कुछ नहीं करना रहता। तो ये एक प्रोसेस है, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। उसके बाद जो है आपका पीएफ का जो पैसा है एग्जाम्प्टेड कंपनी से अन एग्जाम्प्टेड कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस है एग्जाम्प्टेड कंपनी का पीएफ का पैसा अन एग्जाम्प्टेड कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने का, मैंने आपको जो है कंप्लीट जानकारी दे दी, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा भी दिया। आई होप ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।